गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में नेगेटिव फॉर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट इंडिफिनिट टेंस के बाद में वाक्य में कर्ता के बाद नहीं का प्रयोग हो प्रयोग हो जैसे मैं नहीं पढ़ता हूं, वह किताब नहीं पढ़ता है। इत्यादि इत्यादि दिया रहे दिया रहे तो अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, निगेटिव फॉर्म क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बाद में कर्ता के बाद, हमेशा याद रखना है कि पहले सब्जेक्ट उसके बाद नहीं, या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उसके बाद नहीं का प्रयोग हो तो उसे हम लोग अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वी वन मतलब मेन वर्ब मुख क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट कर्म। इसको एक और ढंग से बनाते हैं, या सब्जेक्ट प्लस या डज नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, या तो इस नियम से बनाइए ऊपर वाला से डू नॉट या डज नॉट लिख के, या इसको शॉर्ट करके डोंट या डज नॉट करके
हम लोग बना सकते हैं, दोनों में से कोई एक नियम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं ये दिखा रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ता, वाक्य है मैं नहीं पढ़ता हूं, इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट आई हो गया। उसके बाद आई के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होता है इसलिए इसको डू नॉट लिख देंगे। उसके बाद भी वन क्रिया क्या है? पढ़ना, तो रीड लिख देंगे। ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो फुल स्टॉप कर देंगे, या इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, आई डॉट रीड। एक और लिख देते हैं, वह किताब नहीं पढ़ता है, अब इसको देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ डज का प्रयोग होगा। उसके बाद मुख क्रिया लिख देंगे रीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ए बुक, या इसको इस तरह से बना सकते हैं, ही डज नॉट रीड ए बुक। ये दोनों में से कोई एक नियम के अनुसार हम लोग बना सकते हैं, दोनों सही है। अब हम लोग यहां देखते हैं कि हम लोग तो अनुवाद बना दिए, लेकिन डू या डज का प्रयोग कहां होगा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। डू या डज का प्रयोग, सबसे पहले हम डज का प्रयोग देखते हैं, तो डज का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट या सिंगुलर में नेम के साथ होता है। डज का व्यवहार थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। यहां पर हम लोग डज का प्रयोग किए ही, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ डज का प्रयोग कर दिए। आई थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए डू का प्रयोग किए। अब डू का क्या करते हैं? डू का प्रयोग
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल। सेकेंड सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल। तथा थर्ड पर्सन पर्सन प्लूरल नंबर। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ साथ होता है। तो हम लोग डू या डस के बारे में जान गए। डू का प्रयोग कहां होगा और डस का प्रयोग कहां होगा? अबे हम लोग इसको याद कर लेंगे, नोट पहले नोट करेंगे और उसके बाद याद करेंगे। अब स्टेप, हाँ तो बच्चों अब कुछ हम लोग घर से बनाने के लिए लिख लेते हैं। स्टेप चेंज इनटू इनटू निगेटिव हमको निगेटिव में चेंज करना है। द हाउस रन ऑन द रोड। सी reads a book. You play a ball. और एक और देख लेते हैं। they run in the ठीक। इसको हम लोग इसको निगेटिव में कैसे बनाएंगे? जो नियम आते हैं उसी तरह से बन जाएगा ये। और कुछ ट्रांजिशन भी लिख लेते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश इसको बनाते हैं। ये एक और लिख लेते हैं इसमें। राम राइट ए लेटर। अब हम लोग ट्रांसलेशन के लिए कुछ लिख लेते हैं into English।
तुम विद्यालय नहीं जाते हो, सीता गेंद नहीं खेलती है, राम और मोहन किताब नहीं पढ़ते हैं। वे लोग नृत्य नहीं करते हैं। माँ खाना नहीं बनाती हैं। तो ये सब हम लोग होमवर्क है, इसको हम लोग बना के लाएंगे और पुनः अगले क्लास में भी हम लोग। थैंक यू।